केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ने तैयार की विशेष रणनीति। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ला सकती है ब्लैक पेपर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के 10 साल का लेखाजोखा करेंगे पेश। केंद्र सरकार लोकसभा में ला सकती है श्वेत पत्र। यूपीए और एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर होगा श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सदन में रखेंगी श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का होगा जिक्र। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, सरकार अपने 10 साल का लेखाजोखा भी लेकर आए, मेहुल और नीरव का पेपर भी लाएं। आरजेडी नेता मनोज झा ने श्वेत पत्र को बताया सफेद हाथी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता को सब पता है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने श्वेत पत्र को बताया जरूरी, जनता को सच जानना चाहिए, अर्थव्यवस्था जो आगे जा रही है वो हमारी नीतियों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर हुई टारगेट किलिंग, आतंकवादियों ने पंजाब के 2 शख्स को मारी गोली। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकवादियों की फायरिंग में अमृतपाल सिंह नाम के शख्स की मौत हुई। 27 साल का रोहित गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश में पुलिस चला रही है अभियान। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई है, कहा कि पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को मिला बड़ा सबूत, विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने, सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी भी शेयर की। विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर ईडी ने की है चैट रिकवर। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने व्हाट्सएप चैट को बीजेपी की साजिश करार दिया, कहा ईडी इस वक्त कही जो वही कह रही है जो बीजेपी उसे बता रही है। हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी, 5 दिन तक बड़ी जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की 2 टूक, कहा कानून के अनुसार जो होगा वही करूंगा, नहीं देंगे इस्तीफा। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोली नीतीश कुमार, 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा कि बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से करेगी बाहर। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पर भड़के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, कहा शरीयत हमारी जिंदगी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। यूसीसी पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ, जमकर हुई आतिशबाजी। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा हुआ, विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यूसीसी बिल को बताया सबके लिए, कहा कि किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। यूसीसी बिल के कानून बनते ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी होगी गैर कानूनी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट, ईसी ने अजित गुट को बताया है असली एनसीपी। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम, चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया है। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को 3 नाम बताए थे। शरद पवार मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो पहले से तय था, उद्धव ठाकरे का निशाना। मुंबई में एनसीपी को लेकर पोस्टर वॉर शुरू, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, अजित पवार के खिलाफ नारे लगाए। चुनाव आयोग के फैसले के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे एनसीपी ऑफिस, समर्थकों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़े। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में एनसीपी समर्थकों ने पूजा की, लोगों को बांटे लड्डू का प्रसाद। एमपी के भोपाल में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, देर रात अमित शाह के घर से बाहर निकले। राज्यसभा में पीएम मोदी ने तीसरी बार जीतने का दावा किया, कहा 3.0 में विकसित भारत बनाऊंगा, पूरे 5 साल का प्लान बताया। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले कि 40 सीट बचा ले यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, लेकिन वो ना लिफ्ट हो पा रहे हैं और ना लॉन्च। चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार, राहुल गांधी का निशाना। एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल, ये झूठे सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। प्रधानमंत्री देश के होते हैं किसी पार्टी के नहीं, उनका भाषण सुनकर दुख हुआ, शरद पवार बोले नेहरू का योगदान भुला नहीं जा सकता। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पर बोले योगी, कहा कि भगवान को अपने घर जाने के लिए प्रमाण देने पड़े हैं, हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। सीएम योगी ने कहा हमने तो सिर्फ अयोध्या काशी मथुरा मांगी, काशी के बाद अब कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी सरकार को घेरा, कहा कि पूछा कितने लोगों को रोजगार मिला। अखिलेश यादव ने कहा बिना समाजवाद के राम राज्य संभव नहीं है। सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, ईडी की शिकायत के बाद समन जारी, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। केजरीवाल को कोर्ट के नोटिस पर बोली आम आदमी पार्टी, कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। केजरीवाल लगातार जांच से भाग रहे हैं, वो शराब घोटाले में शामिल है, दिल्ली बीजेपी चीफ का निशाना। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के भगवान राम के रंग पर टिप्पणी पर इकबाल अंसारी का जवाब, कहा कांग्रेस के नेताओं को भगवान के रंग पर टिप्पणी से बचना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कि यह पार्टी सनातन द्रोही है, मंदिर बनने से कांग्रेस के नेता उलझुल बयान दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हंगामा, टीएमसी के दो गुटों में झड़प, दोनों तरफ से हुई कई लोग। स्थानीय लड़कों को नौकरी देने के मांग पर हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक व्यापारी के बेटे वैभव सिंगल की हत्या, पूरे इलाके में फैला तना। पुलिस ने वैभव के दो दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, एक महिला मित्र के लिए दोनों दोस्तों ने हत्या की। वैभव सिंगल 29 जनवरी से था लापता, माज पठान नाम के एक दोस्त से साथ महिला मित्र को लेकर हुई थी झड़प। पुलिस के साथ एनकाउंटर में मास पठान के पैर में लगी गोली, मास के पास से वैभव का मोबाइल, एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद हुआ। बिहार के गया में शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। हरियाणा के रोहतक में मिठाई की दुकान पर फायरिंग, दुकानदार के मुताबिक की गई फिरौती की मांग। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई, आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी, पुलिस ने दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम पर कोयला चोरों का हमला, सीआईएसएफ की दो गाड़ियों की तोड़फोड़। घटनास्थल पर भारी संख्या में सीआईएसएफ और पुलिस के जवान पहुंचे, हमला करने वाले चार लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस कुछ और लोगों से कर रही है पूछताछ। श्रीनगर के मेहताब बाग इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। आग लगते ही घर धू धू कर जलने लगा, घर में रखे लाखों के सामान की नुकसान की आशंका। एमपी के सीएम ने हरदा में घटनास्थल का हवाई दौरा किया, घायलों से भी मुलाकात की। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हरदा जिला अस्पताल, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में घायल पीड़ितों से की मुलाकात। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई, हरदा के एसपी को हटाया गया। हरदा मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत तीन गिरफ्तार, दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक समारोह में खाना खाने के बाद करीब 1000 लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती किया गया। लद्दाख के जोजिला पास में भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद, बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ से यातायात बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में मिली 11वीं सदी की मूर्ति, भगवान विष्णु की है प्रतिमा। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला जैसी मूर्ति प्रतिमा की प्रभा में विष्णु के 10 अवतार भी अंकित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे सिकंदराबाद, रेलवे स्टेशन के निर्माण कामों का किया निरीक्षण। गुजरात के साबरमती से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के ठाणे से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना, स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए लोग। गुजरात के अहमदाबाद में रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल। राजस्थान के फालोदी एयरबेस पर पहुंचे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, वायु शक्ति 2024 की हो रही है तैयारी, पहली बार इंडियन आर्मी भी हो रही है अभ्यास में शामिल। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बनेगा सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ, एलजी मनोज सिन्हा ने शिलान्यास किया। गुजरात के अमरेली में रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक के पास दिखा टाइगर, बाघ को ट्रैक से दूर रखने के लिए लगातार हो रही है निगरानी, 6 महीने में 7 बाघों की हो चुकी है मौत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत, तो विजेता टीम की फाइनल में भारत से होगी टक्कर। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे, रविचंद्रन अश्विन को दो स्थान का नुकसान हुआ, तीसरे नंबर पर। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय बॉलर्स में बने। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 टेस्ट ऑलराउंडर्स में 3 भारतीय शामिल, जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल को जगह मिली। बैट्समैन रैंकिंग में विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान, 7वें नंबर पर पहुंचे यशस्वी जायसवाल ने 37 स्थान में लगाई छलांग। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से हो सकते हैं बाहर, आखिरी मैच में खेलने पर सस्पेंस। पारिवारिक कारणों के चलते विराट कोहली ने लिया है ब्रेक, इन दिनों विदेश में है कोहली। राजकोट टेस्ट में वापसी कर सकते हैं राहुल और जडेजा, दोनों की फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद होगा आखिरी फैसला। राजकोट टेस्ट में मोहम्मद सिराज को मिल सकता है मौका, बुमराह को दिया जा सकता है रेस्ट। ईशान किशन बड़ौदा में प्रैक्टिस करते दिखे, दिसंबर में भारतीय टीम से लिया है ब्रेक। राजकोट टेस्ट से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा टेस्ट सीरीज में भारत का पल्ला भारी। बेसबॉल से टेस्ट क्रिकेट को मिला नया जीवन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज यान बॉथम का बड़ा बयान। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार 3री हार, ऑस्ट्रेलिया ने 0-3 से दी शिकस्त। फिट होने के बाद जिमनास्ट प्रणति नायक को और कामयाबी हासिल करने की उम्मीद, कहा कि पेरिस ओलंपिक के लिए जगह बनाना लक्ष्य है। अमित पंगाल स्वेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अमित ने यूक्रेन के रूडिक मैक्सिम को 5-0 से हराया।